हेलो गाइस, वेलकम टू द एजीपी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वेनम मूवी के बारे में। इससे रिलेटेड काफी कमाल के दो अपडेट आए हैं। आप सभी जानते हो कि वेनम एक एंटी हीरो है, और देन इसके जो दो अपडेट आए हैं आपको थोड़ी निराशाजनक होगी। तो उसका जो पहला अपडेट है वो है सेंसर बोर्ड की तरफ से। तो सेंसर बोर्ड ने इसे एक PG-13 कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। मैं आपको उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और देन इसकी अगर रनिंग टाइमिंग की बात करी जाए तो इस मूवी की पूरी रनिंग टाइमिंग है 1 घंटा 52 मिनट की, जो कि बहुत ही कम है। और देन जैसे ही मैंने ये फेसबुक पर अपडेट डाला तो काफी फैंस को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा सोलू मूवी के हिसाब से इसकी रनिंग टाइमिंग और ज्यादा होनी चाहिए थी, करीब 2 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट की, जिससे कि इस मूवी को देखने का थिएटर में भरपूर मजा आएगा। और देन इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो वो आगे ही देखी जाएगी। तो बात करते हैं PG-13 कैटेगरी होती क्या है और प्रॉब्लम क्या है। आप सब जानते हो कि वेनम एनी आर रेटेड मूवी थी और इसे PG-13 कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो प्रॉब्लम क्या है, PG-13 कैटेगरी होती है अगर आप 13 साल के भी हो तो आप अपने पेरेंट के साथ इस पिक्चर को देखने जा सकते हो। यानी कि इस मूवी की स्टोरी से पता चलता है कि इस मूवी की स्टोरी सिर्फ बच्चों के हिसाब से बनाई गई है। यानी कि 13 साल का बच्चा भी और 50 जितनी भी, मैं बस काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मूवी से देख सकता है। यानी कि 13 साल के लिए भी मूवी सफिशेंट है। मेरे हिसाब से वेनम को खतरनाक, खूंखार, अडल्ट होना चाहिए, जैसा कि होता है एक एंटी हीरो। आपका क्या कहना है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे बनाए देख रहे हैं ज्यादा, उस पर कंडीश के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।